गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच रेस्ट पोर्शन ऑफ लेसन 4 टीथ। नाउ लर्निंग पॉइंट, टूथ केयर, टीथ प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट टूथ केयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। हमारे दांतों की सही देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। सुगरी एंड एस्टिकी फूड आइटम्स इनवाइट जर्म्स, मीठा तथा चिपचिपा खाद्य पदार्थ कीटाणु को आमंत्रित करते हैं। एज वी ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड गेट स्ट्रक्स इन द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ। जैसे हम खाते हैं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े दांतों के बीच रिक्त स्थानों में फंस जाते हैं। These small bites must be cleaned, otherwise a yellow sticky film known as plaque develops. ये छोटे कण को साफ किया जाना चाहिए, नहीं तो ये एक पीला चिपचिपा परत दांतों के ऊपर बन जाता है, जिसे प्लेक के नाम से जाना जाता है, और वे विकसित होते हैं। प्लेक इनकोरेज जर्म्स डैट अटैक द टीथ ऑफ फ्लोरिस। प्लेक उन कीटाणुओं को प्रोत्साहित करती है जो दांतों पर हमला करती है। दीज जर्म्स कैन डैमेज आवर टीथ एंड कॉज टूथ डिके। ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और दांतों के सरने का कारण बनते हैं। द ओनली वे टू गेट राइट ऑफ दिस प्लेक इज टू ब्रश एंड फ्लॉस आवर टीथ प्रॉपरली। इस प्लेक से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम दांतों को अच्छी तरह से ब्रश और फ्लॉस करें। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ twice a day, once in the morning before breakfast and once before we go to bed at night. हमें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह में नाश्ता के पहले और दूसरी बार रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। We must brush our teeth for at least 2 minutes each time. हमें हर बार अपने दांतों को कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर टू रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर भोजन के बाद अपने मुंह में उल्लक भी करना चाहिए। टीथ प्रॉब्लम्स, दांतों की समस्या। व्हेन टीथ आर नॉट केप्ट क्लीन कैविटीज स्मॉल होल्स इन द टीथ आर फॉर्म्ड एज द टीथ आर अटैक्ड बाई जर्म्स और बाई द हार्मफुल माइक्रोब प्रेजेंट इन प्लेक। जब दांतों को साफ नहीं रखा जाता है तो कैविटी अर्थात दांतों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, क्योंकि दांतों पर कीटाणुओं द्वारा या प्लेक में मौजूद हानिकारक कीटाणु द्वारा हमला किया जाता है। द जर्म्स प्रेजेंट इन प्लेक आर वेरी मिन्यूट एंड नॉट विजिबल टू द नेक्ट आई। प्लेक में मौजूद कीटाणु बहुत छोटे होते हैं और नग्न आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। वी हैव टू यूज ए माइक्रोस्कोप टू सी देम। हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब। रोगाणु के विभिन्न प्रकार होते हैं। फंगी आर इजवली द बिगेस्ट टाइप ऑफ माइक्रोब। फंगी आमतौर पर रोगाणुओं का सबसे बड़ा प्रकार होता है। ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ईस्ट फंगी का एक उदाहरण है। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु। बैक्टीरिया आर इजवली स्मॉलर देन फंगी।
बैक्टीरिया आमतौर पर फंगी से छोटे होते हैं। दे कैन ग्रो रैपिडली एंड मे डबल ऑलमोस्ट एवरी 10 मिनट्स। वे तेजी से बढ़ते हैं और लगभग हर 10 मिनट में दोगुना हो सकता है। वायरस विषाणु। वायरस आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। विषाणु या वायरस सबसे छोटे प्रकार के रोगाणु होते हैं। व्हेन वी हैव टीथ प्रॉब्लम्स वी नीड टू विजिट डेंटिस्ट। जब हमें दांतों की समस्या होती है तो हमें एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सलाद्स प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम जर्म्स। ताजे फल सब्जियां और सलाद खाने से हमारे दांतों को कीटाणुओं से सुरक्षित रखा जा सकता है। एज वी नीड टू च्यू दिस टाइप ऑफ फूड इट इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो टू द गम्स। हमें इस प्रकार के भोजन को चबाने की आवश्यकता होती है। यह मसूरों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। क्लास इज ओवर। थैंक यू। सी यू अगेन।